इसमें, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिल जाए करें। एक्सिस बैंक, आज जिस बैंक के बारे में बात करेंगे, इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये भी बैंक उन अन्य बैंकों की तरह काम करती है, जैसे कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, RBL बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की अभी अपने इंडस्ट्री में फोर्थ नंबर पे है। तो ये सारे काम करते हैं, अकाउंट्स, कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलना, लोन्स देना, लोन में जितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली अगर देख लें, हाउसिंग लोन, ऑटो लोन्स, बाइक लोन्स, पर्सनल लोन्स, डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड्स, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ज़बरदस्त बैंक है और इस बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं Q1 के, तो हम कुछ फंडामेंटल भी दिखा देते हैं। जून 2018 से अगर हम जून 2019 में इंटरेस्ट अर्निंग में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त मुनाफा है, बढ़त है। जहाँ जून 2018 में थी 12,777 करोड़ की, वहीं जून 2019 में हो गई 15,254 करोड़ की, यानी कि 19.39% की अपसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 34.78% की अपसाइड है और NPA भी इनका कम हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त है ईयरली, तो जहाँ जून 2018 में 701 करोड़ की थी, वहीं जून 2019 में हो गई 1,370 करोड़, जो कि 95 मतलब 95% की जंप है, अपसाइड है ज़बरदस्त। और अगर हम क्वार्टरली भी कंपेयर करते हैं मार्च 2019 से जून 2019 में, तो यहाँ पे अगेन इंटरेस्ट अर्निंग में भी शानदार 3% की अपसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 17% की अपसाइड है, NPA भी कम हुआ क्वार्टरली, और नेट प्रॉफिट में हालांकि थोड़ी सी डाउन साइड है 8.97% की। तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे सब कुछ लेने देने के बाद इनको थोड़ा सा नुकसान दिख रहा है यहाँ पे क्वार्टरली, बट ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त है, शानदार है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो प्रोमोटर्स के पास है 18%, और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बेचा भी है, लगता है 0.60 थोड़ी सी इन्होंने घटाई है, बेची उची है। और ज़बरदस्त अगर किसी की सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, तो वो फॉरनर्स की है, यहाँ पे 1,014 फॉरनर्स हैं, 48% की इनकी ज़बरदस्त होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स की 40 स्कीम्स हैं, LIC भी काफ़ी भर के रखी हुई है 10% से ज़्यादा की, और इंडिविजुअल हम आप जैसे जो खुदरा ग्राहक है बहुत कम है, 5% के आसपास। तो चलिए अच्छी बात है। और अगर हम रिटर्न्स देखते हैं, तो रिटर्न 10 सालों में 268% के हैं, 5 सालों में 72% के, 4 सालों में 17% के, और 30 सालों में 3 सालों में 23% के हैं, 2 सालों में 30% और 1 साल में 22%। ईयर टिल डेट FD वाला रेट मिल रहा है आपको, लेकिन 6 महीने से लगातार इसमें लाल का निशान है, गिरावट है। चलिए प्राइस देख लेते हैं आज का। 676 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है आज 31 जुलाई 2019, 1 बजे का समय है, और साल का जो हाई था 827 रुपये और लो बनाया था इसने 534 का, तो लो के करीब ही एक तरीके से देखा जाए तो, बहुत ज़्यादा करीब तो नहीं है लेकिन फिर भी करीब है। और मार्केट कैप इसकी अगर हम देखते हैं तो 1,77,095 करोड़ की है, ज़बरदस्त लार्ज कैप। और EPS है 20 का, पी रेशियो 33 का, बुक वैल्यू 254 की, और प्राइस टू बुक है 2.66 की, फेस वैल्यू 2 की रह गई है, डिलीवरी है इसकी 40% के आसपास। तो इस तरीके से अगर हम कुछ दिग्गज बैंक्स को अगर यहाँ पे हम 5 सालों के रिटर्न वाइज कंपेयर करते हैं कि किसने कितना रिटर्न बना के दिया है, तो इस चार्ट में अगर हम टेक्निकल एडवांस चार्ट में देखते हैं, तो यहाँ से 11 अगस्त 2014 से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, तीनों ज़बरदस्त बैंकें हैं, तो यहाँ शुरुआत करते हैं। तो आज की तारीख में एक्सिस बैंक दे रही है 81% के रिटर्न्स, HDFC बैंक दे रही है 171% के रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स, ICICI बैंक दे रही है 53% के रिटर्न्स। तो इसका मतलब है HDFC बैंक तीनों बैंकों से ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो अभी भी लोगों का भरोसा HDFC बैंक पे ही है। और एक्सिस बैंक या ICICI बैंक ये भी आने वाले समय में अच्छी बैंक साबित हो सकती है, चॉइस आपकी है दोस्तों। तो कोई भी शेयर मैं अभी आज रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, क्योंकि अभी लगातार मार्केट में गिरावट है, अगर आपके पास कैश पड़ा है तो उसे आप थोड़े दिन और रखिए, बहुत ज़्यादा अगर हाथ में खुजली हो रही है कि नहीं कुछ
निवेश ही करना चाहिए तो थोड़ी थोड़ा, मतलब जैसे कि 100 रुपये है तो 10 रुपये के हिसाब से आप निवेश करिए। अभी कहाँ तक का नीचे का लेवल बनाएगा ये पूरा बाजार, वो देखने वाली बात है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ SIP करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस यही कहना चाह रहा था।